29 सितंबर को वरुण धवन की जुड़वा 2 रिलीज हुई है। फिल्म ने 3 दिन में बॉक्स ऑफिस पर करीब 60 करोड़ की कमाई की है। फिल्म में वरुण के साथ जैकलीन फर्नांडिस और तापसी पन्नू भी लीड रोल में है। बता दें ये फिल्म सलमान खान की फिल्म जुड़वा का सीक्वल है। बता दें कि फिल्म सोलो रिलीज थी। इसके साथ ही एक तरफ जहां फिल्म को जबरदस्त प्रमोशन का फायदा मिला तो वहीं दूसरी ओर फिल्म को दशहरा का भी काफी फायदा मिला है। खैर इस दशहरा तो आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट मूवी देखने को मिल गई, लेकिन अभी त्योहार और भी बाकी हैं और इसके साथ ही फिल्में भी। इस पैकेज में आपको बताएंगे आने वाले त्योहारों पर रिलीज होने वाली फिल्में। साल 2017 त्योहार दिवाली फिल्म गोलमाल अगेन। फिल्म गोलमाल अगेन में अजय देवगन, परिणीति चोपड़ा, अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, तबू और श्रेयस तलपड़े मेन लीड में हैं। फिल्म का डायरेक्शन रोहित शेट्टी ने किया है। फिल्म दिवाली 2017 पर रिलीज होगी। साल 2017 त्योहार क्रिसमस फिल्म टाइगर जिंदा है। फिल्म टाइगर जिंदा है में सलमान खान और कैटरीना कैफ मेन लीड में हैं। ये फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है। फिल्म का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है। फिल्म 2017 क्रिसमस पर रिलीज होगी। साल 2018 त्योहार गणतंत्र दिवस फिल्म 20। फिल्म 20 का सभी को काफी बेसब्री से इंतजार है। फिल्म रोबोट का सीक्वल है। फिल्म में मेन लीड में अक्षय कुमार, रजनीकांत और एमी जैक्सन है। फिल्म का निर्देशन एस शंकर ने किया है। फिल्म 2018 गणतंत्र दिवस पर रिलीज होगी। साल 2018 त्योहार स्वतंत्रता दिवस फिल्म गोल्ड गोल्ड से टीवी सेलेब मौनी रॉय बॉलीवुड में कदम रखने जा रही है। फिल्म में कुणाल कपूर और अमित साध भी नजर आएंगे। फिल्म को रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की जोड़ी प्रोड्यूस कर रही है, जबकि रीमा ने डायरेक्शन का जिम्मा संभाला है। बता दें रीमा इससे पहले आमिर खान की तलाश भी डायरेक्ट कर चुकी हैं। फिल्म स्वतंत्रता दिवस 2018 को रिलीज होगी। साल 2018 त्योहार दशहरा फिल्म। अभी फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है। अजय देवगन और तबू स्टारर ये फिल्म दशहरा 2018 को रिलीज होगी। इस फिल्म को भूषण कुमार, लवरंजन और अंकुर गर्ग प्रोड्यूस करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म को आकिब अली निर्देशित करेंगे। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी होगी। साल 2018 त्योहार दिवाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान सीक्रेट सुपरस्टार के बाद ये आमिर खान की अगली फिल्म है। इस फिल्म में कैटरीना कैफ, फातिम सना शेख, शशांक अरोड़ा और अमिताभ मेन लीड में होंगे। इस फिल्म को विजय कृष्णा आचार्य ने डायरेक्ट किया है। वहीं यशराज फिल्म्स इसे प्रोड्यूस कर रही है। इस फिल्म में आमिर खान और अमिताभ बच्चन का लुक रिवील हो चुका है। साल 2018 त्योहार क्रिसमस फिल्म। फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है। आनंद एल राय के साथ शाहरुख खान 2018 क्रिसमस में आ रहे हैं। फिल्म के बारे में अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबरों के मुताबिक फिल्म में शाहरुख के साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ नजर आ सकती हैं। साल 2018 त्योहार क्रिसमस फिल्म। क्रिश्चार फिल्म क्रिश्ट सीरीज की अगली फिल्म यानी क्रिश्चार 2018 क्रिसमस पर रिलीज होगी। इस फिल्म में मेन लीड में ऋतिक रोशन होंगे। वहीं फिल्म को राकेश रोशन डायरेक्ट करेंगे। साल 2019 त्योहार गणतंत्र दिवस फिल्म। फिल्म का नाम फिलहाल तय नहीं हुआ है। यशराज फिल्म के बैनर तले टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की फिल्म आएंगी। फिलहाल फिल्म की एक ट्रेसेस को लेकर करीना कपूर खान और कैटरीना कैफ से बातचीत जारी है। बता दें फिलहाल टाइगर श्रॉफ फिल्म बागी 2 के लिए तैयारी में जुटे हैं।